Hi guys, this is Uma Kureshi and you're watching me on E Times. Uh, I am a huge fan of Mr. Govinda and David Dhawan movies. I think I've grown up on them. Uh, and as a girl, जितने उनके गाने होते थे, हम मैं हमेशा, you know, उनको perform करती थी और बहुत enjoy करती थी.

<laughs> okay, है yes, so, हमने पहले आपको में में एक शो में देखा हुआ है, आ, as a judge, लेकिन इस बार बहुत सारा धमाल कॉमेडी होने वाला है तो उसके लिए आप कितनी है मैं बहुत ज्यादा मुझे बताया गया कि मेरी हंसी जो है वो बहुत इन्फेक्शियस है जब मैं हंसती हूँ तो सब मेरे साथ हंस पड़ते हैं आई थिंक वही रीजन है कि मुझे इस शो का हिस्सा बनने का मौका मिला एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक मैं इतनी फनी हूँ और मेरा खुद खुद भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो फाइनली आई थिंक लोग मेरी वो मैड साइड देख पाएंगे बट यू नो टेलीविजन मीडियम इज कंसिडर टू बी वेरी हेक्टिक क्योंकि लॉन्ग uh शूटिंग -huh. आज रहते हैं तो हुमा उसके लिए रेडी है वही कर रहे हैं सुबह से अभी कुछ और शूट कर रहे थे आज हम झलक के प्रमोशन इंटीग्रेशन के लिए आए और बहुत मज़ा आया मैंने डांस भी किया खूब हँसे भी मस्ती भी की और अब सेम मस्ती और जितना प्यार मुझे मेरी फ़िल्मों के लिए मेरे शोज़ के लिए मिलता है आई एम श्योर कि बैडनेस मचाएंगे लिए भी हमको मिलेगा हम्म उस उसके साथ साथ हेक्टिक मीडियम तो है भी लेकिन जो यहाँ पे प्यार मिलता है टीवी की ऑडियंस से दैट इज़ बेशुमार और Correct. हमने देखा हुआ है चाहे वो बिग बी हो चाहे सलमान हो यू you नो know, तो एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में कह सकते हैं आई थिंक सो आई थिंक टी एक बहुत ही अमेजिंग मीडियम है जिससे आप uh, हर हफ्ते अपने ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं और वो आपको देख पाते हैं अनफिल्टर्ड अनकट बिना किसी आपकी रियल साइड बिना किसी शूशा के बिना आप किसी कैरेक्टर के पीछे नहीं छुपे होते जो आप हो वो आप लोगों को नजर आते हो एंड आई होप कि लोग मुझे Uh, इतने सालों से जो प्यार देते आए हैं अभी भी देंगे एंड जो प्रोमो हम देख जब शो का आप हिस्सा है मालकिन बनकर आई है तो क्या क्या धमाल होने वाला है एक मेरे हाथ में चाबुक होगा <laughs> <laughs> तो जिसका जोक अच्छा नहीं होगा उस पर ऐसे पड़ेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है आई थिंक बहुत ही प्यारी टीम है हमारी सब लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं बहुत लोग आई थिंक यू नो रीजनल चैलेंज पर बहुत कमाल का काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि ऐसा एक, एक पैन इंडिया शो बनाए जिससे सब लोग मिल के यू नो शाम को जब साथ पूरी फैमिली बैठे तो हंसे मुस्कुराए और दिन भर की जितनी थकान है सब भूल जाए बट hmm. कॉमेडी uh, एक बहुत डिफ्री डिफ़िकल्ट भी है hmm. कहते हैं कि रो रुलाना बहुत आसान है बट हंसाना उतना ही मुश्किल है आपको क्या लगता है

नहीं पर अच्छा है अच्छा <laughs> अच्छा लगता है जब जब दोस्त जर्नलिस्ट मिलते हैं और वो आपकी तारीफ करते हैं तो लगता है कि आप कुछ तो ठीक ही कर रहे हो <laughs> नहीं मैं कोशिश करूँगी देखिए नॉर्मली जो है कॉमेडी इज़ अ वेरी मेल इंडस्ट्रीज आता है जितने आप देखते हैं जो लोगों को हंसाते हैं मोस्टली लड़के होते हैं <laughs> और मुझे लगता है लड़कियां क्या कम है क्या, क्या, क्या yeah. तो हंसाने के लिए तो और प्राइम भारती तो अफकोर्स है ही एंड अफकोर्स इज वेरी वेरी टैलेंटेड एंड आई डोंट थिंक यू नो एनी बडी कैन टेक प्लेस बट आई फील इन माई ओन वे जो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है मैं चाहूंगी कि वो लोगों तक पहुंचे hmm. uh, जिन बातों पर मुझे हंसी आती है जिन चुटकुलों पर uh, तो मैं वो शेयर करूंगी सबसे आपके यू नो ग्रोइंग अपर्स में आपकी अगर फिल्मों की बात करें जिन्हें जिन्होंने कॉमेडी फिल्म्स में जिन्होंने आपको hmm. इंस्पायर किया या

एंड एज अ गर्ल जिन तो जिन जितने उनके गाने होते थे हम मैं हमेशा यू uh, नो you know, उनको परफॉर्म करती थी और बहुत इन्जॉय करती थी आई डेविडसन ओज आई एम अज फैन तो जब भी मेरी कोई भी फिल्म आती है तो हमेशा यू you नो know, वो मुझे कॉल करके wow. या मैसेज करके बताते हैं तो आई होप हम उनको एक बार शो पे बुला पाए दिस इज लिस्ट गाइस बट इस शो की बात करें तो अगर आप कुछ रिवील कर सके तो क्या क्या होने वाला है इस शो में क्या एक्चुअली ना इसमें ना नॉर्मली क्या होता है हर कॉमेडी uh, शो में एक स्ट्रक्चर होता है hmm. कि स्टैंड अप होगा होगा ये हो इसमें सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा है थोड़ा सा स्टैंड अप भी है थोड़ा सा रोस्ट भी है थोड़े से स्किट्स भी हैं थोड़ा सा हम एक्चुअली पहली बार स्टूडियो के बाहर भी जाएंगे और रियल लाइफ लोगों के साथ हम लोग कुछ कुछ स्पूफ्स और हरकतें करेंगे oh, वो क्या हरकतें करेंगे आई डों टेल यू बट कुछ तो मस्ती खोरी करेंगे हम लोग hmm. Hmm. Uh, आप कितनी uh, मैं बोलू uh, कितनी ज्यादा फ्रैंक है कि आप अपने ऊपर जोक्स ले लेती थिंक so. kind of so. मुझे लगता है कि मैं, मैं बहुत हूं और मुझे लोगों की टांग खींचने में बहुत मजा आता है और मुझे लगता है अगर आप किसी की टांग खींच सकते हो तो मतलब वो एक तरीके का प्यार दिखाना है तो मुझे तो लगता है कोई मेरी टांग खींचता है तो हमारे शो पे भी अभी हमने एक एपिसोड परसों ही रिकॉर्ड किया तो उसमें सब लोग मेरी टांग खींचे थे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि अरे वाह अच्छा करो 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 इट बी फन सो आई थिंक ये हमारे शो का ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि आप हम एक दूसरे की टांग हमेशा खींचते रहते हैं बट हुमा थोड़ी सी नर्वसनेस भी है क्योंकि कॉमेडी जैसे मैंने बोला एक डिफिकल्ट जॉनर है और कई बार वो डरा कर रहे हो यार ऐसे क्या डरा रहे हो तो, कॉमेडी तो है आप तो बोल रहे, तो रहे एवरेज चढ़ने जाना है हमको बट वो डिफिकल्ट जॉनर भी तो है कि आप बहुत कम लोग हैं जो वो राइट हिट कर पाते बुल जाए अभी तो अब अब देखते हैं हम कोशिश तो हमारी कितनी आपको कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बट अब अफकोर्स जनता जनार्दन है जो जो उनका वोट होता है वो हमेशा सही होता है एंड आई होप हम आपको हंसा पाए आपकी फिल्मों में हमने देखा है कि यू नो डबल एक्सल में भी जब Uh, वो एक है आप में नाक है कि आप कर लेती हैं आर यू ओपन टू यू नो फुल फ्लेज कॉमेडी फुलेडी आई थिंक आई एम वेरी गुड एटेड कुछ ने मुझे मौका ही नहीं दिया Hmm. जैसे आज अभी मेरे कुछ एक गाने पे परफॉर्म किया सबने बोला तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो मैं कहा हाँ मेरे को बहुत कम मौका मिलता है uh, एक आध फिल्मों में मैंने किया है आई थिंक विथ

और जो फिल्में जिस तरीके से आप कर रही है हमने देखा कि आप, uh, वक्त लेती हैं यूर नॉट इन रेस की मुझे हर फ्राइडे या हर दो तीन महीने में फिल्में रिलीज होनी चाहिए और मुझे दिखना Having said that, है पिछले छह रिलीजेज हुई थी बट <laughs> <laughs> वो नहीं है कि एक साथ यू you नो know, uh, आपकी जो चॉइस है वो हर एक डिफरेंट चॉइसिस अब मैं टैलेंटेड ही इतनी हूँ <laughs> मैं क्या कर रही हूँ नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ आई थिंक मेरा बस यही रहता है कि जो चीज़ मैंने पहले नहीं की है मुझे वो करना होता है अगर मैंने कोई चीज़ कर ली तो मुझे लगता है अच्छा ये तो ईजी है इसमें क्या है एंड आई थिंक ऑडियंस भी वही चीज़ एक्सपेक्ट करती है जितना प्यार आई थिंक मुझे मेरी लास्ट ही कुछ फिल्म के या रोल्स के लिए मिला जैसे महारानी के लिए मिला मिलाने बोला या मोनिका मोनिकॉमर डालिंग के लिए मिला या तरला के लिए मिला या डबल एक्सेल के लिए मिला यू नो ऑफर द गंगूबाई सॉन्ग ऑफ बिग साउथ फिल्म द रेड डेट्स में मैंने बहुत सारा एक्शन किया तो आई फील मुझे पसंद है कि मैं अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जाऊँ सो इवन फॉर मैडनेस में चाहेंगे आई वॉज लाइक अरे आई नेवर डन दिस पीपल डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी शो आईव ऑलवेज गॉन टू प्रमोट माई ओन फिल्म नो एज़ अब फॉर ऑल दीज कॉमेडी शोज और वहाँ पर हमेशा दिल खोल के हंसती थी पार्टिसिपेट करती थी आई थिंक वही शायद रीजन है कि इनको लगा कि

बेटा आउट फॉर हर मैसेज टू फैंस मार्च मैडनेस मचाएंगे इंडिया को हंसाएंगे कम्स आउट ओनली ऑन सोनी प्लीज वॉच इट हमें अपना प्यार दीजिए आइए हंसिये और अपने दुख दर्दों को भूल जाइए थैंक यू सो मच यू सो मच थैंक यू